का पथ संचलन में देखने को मिली आकर्षक झांकियां। हर साल की भांति इस साल भी आरएसएस का पथ संचलन अजमेर के पटेल मैदान से शुरू हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ दरगाह पहुंचा। दरगाह क्षेत्र में व्यापारी महासंघ की ओर से आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। वहीं और आरएसएस का पथ संचलन के दौरान दरगाह के मुख्य द्वार पर भी पथ संचलन का फूल बरसा कर स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं ये आरएसएस का पथ संचलन दरगाह के मुख्य द्वार से निकल रहा है, जहां पर जल संसाधन में कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र रावत सहित भाजपा के कार्यकर्ता व मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरएसएस का पथ संचलन का स्वागत फूलों से किया है। 11 बजे पटेल मैदान से रवाना हुआ आरएसएस का पथ संचलन आप देख सकते हैं ताल से ताल मिलाते हुए पूरे शहर में आज निकला गया। 11 बजे पथ संचलन रवाना हुआ, जो 11:28 पे दरगाह के मुख्य द्वार तक पहुंचा, जहां पर हर्ष और उल्लास के साथ आरएसएस का पथ संचलन का फूलों से स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में आरएसएस के पथ संचलन में लोगों ने भाग लिया। शांतिपूर्वक आरएसएस का पथ संचलन निकला। वही एसपी चुनाराम जाट भी दरगाह के मुख्य द्वार पर मौजूद रहे। शांतिपूर्वक शहर में निकाला गया आरएसएस का पथ संचलन। आप देख सकते हैं दरगाह के मुख्य द्वार पर धार्मिक नगरी कहा जाता है, यहाँ पर आप कौमी एकता देखने को मिलेगी। अजमेर में है ये नज़ारा, कौमी एकता के लिए जाना जाता है। सूफी संत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का मुख्य द्वार है, जहाँ पर प्रेम और भाईचारे की मिसाल देखने को यहाँ मिलती है। आरएसएस का पथ संचलन के दौरान पुष्प वर्षा कर यहाँ पर इनका स्वागत किया जा रहा है, और हतोहत ही जो फूल हैं उनको हटाए जा रहे हैं, ताकि किसी जो संचलन के दौरान जो चलने वाले हैं जवान हैं उनको किसी प्रकार की फिसलने से चोट ना लगे। दरगाह के मुख्य द्वार पर खड़े हैं एसपी सहयोगी बिन जाप्ता, यहाँ मौजूद हैं आरएसएस पथ संचलन के यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं, और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के साथ यहाँ पर जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी पुष्प वर्षा कर यहाँ पर की है। वही और दरगाह बाजार व्यापारी महासंघ की ओर से आज आरएसएस का पथ संचलन का स्वागत किया। वहीं उन्होंने झांकियाँ भी सजाई गई है, राम दरबार की यहाँ झांकी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं आरएसएस का पथ संचलन के दौरान यहाँ पर देखिए खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। भाईचारे और कौमी एकता के लिए जाना जाती है अजमेर की नगरी। एक तरफ जगत पिता ब्रह्मा मंदिर है, तो दूसरी तरफ सूफी संत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, जहाँ दोनों ही धर्म एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहते हैं। यही वजह है अजमेर एक गंगा जमुना की तहजीब यहाँ देखने को मिलती है। पथ संचलन इस वक्त दरगाह के निजाम गेट से निकल रहा है, और यहाँ निजाम गेट से होता हुआ निकलेगा। इस वक्त है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर फूलों की बारिश ज़्यादा होने से यहाँ पर फिसल गल पैदा हो गई है। किसी के दिन न जाए इसके डर से यहाँ से कार्यकर्ताओं को
अपने आगे की तरफ बहुत सब बताया जा रहा है कि आगे की तरफ चल कर निकले ताकि किसी की चोट ना लगे। काफ़ी लंबा पथ संचलन है ये दरगाह के मुख्य द्वार से। यहाँ पर विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा भी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता वे जायरीनों की यहाँ पर आवाज हमेशा बनी रहती है। काफ़ी लंबा यहाँ पर पथ संचलन है। ये पथ संचलन यहाँ से अभी दरगाह के मुख्य द्वार से गुजर रहा है और यहाँ से विभिन्न मार्गों से तो वापस वहीं पर समाप्त होगा। यहाँ सब अपने अपने निवास को लौटेंगे। सुबह 10 बजे अभी इकट्ठा हुए थे पर संचलन के कार्यकर्ता 5,000 से अधिक यहाँ पर जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए और यहाँ से जो पूरा पथ संचलन शुरू हुआ। विभिन्न मार्गों से निकाला जा रहा है ये पथ संचलन। देखिए आज जैसा कि आपने देखा कि भव्य पथ संचलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक का यहाँ पे निकला और जिस तरह से दरगाह के नाजिम गेट के बाहर सभी ने सांप्रदायिक स्वार्थ की मिसाल दी, सभी लोगों ने उस वर्षा करके इस संचलन का स्वागत किया और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमें राष्ट्रभक्ति की और व्यक्ति निर्माण की और कैसे जीवन पद्धति को हम अपने जीवन में उतार के और अपने जीवन को सुगम कैसे बनाया जा सकता है और राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना से कैसे काम किया जाता है हमें संगठन से देखने को मिलता है।